और मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में सरपंचों के साथ बैठक की और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही पंचायत स्तर की दिक्कतों को जानने की कोशिश की गई। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसान कर्ज माफी के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी। इसके अलावा रामनवमी पर कांग्रेस के आयोजन पर कहा, अच्छा है कि कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है लेकिन जनता समझदार है। 2018 में एक कांग्रेस का वचन पत्र तैयार किया गया था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया जी भी थे। उस वचन पत्र में यह था कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिन में कितने भी लाख हो 2 लाख माफ करेंगे, कितने भी खाते हो तो हम माफ कर देंगे। ये बात हुई थी और दुर्भाग्य से उन्होंने किंतु लगा दी, परंतु लगा दी। किसी का 5 लाख है तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 3 लाख भरना, पर उन किसानों के साथ धोखा हुआ, इसीलिए वो सरकार गई थी।